नमस्कार हिंदुस्तान टाइम्स 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की लड़ाई के लिए विपक्ष के साथ खड़ी है। पुरखों की दान की संपत्ति को चलाने का काम वक्फ बोर्ड कर रहा है। हमारे पुरखों ने दान दिया और हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे लोग हैं, उनको हमारे जमीन जायदाद से आने वाली नस्लों को फायदा हो रहा है। आगे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शकील अहमद। कह रहे हैं यह जो हमारे पुरखों ने दान दिया और वक्फ बोर्ड दान न्यास, पुरखों ने दान दिया और यह दान दिया कि हमारी जो कम्युनिटीज़ है, जो हमारे लोग हैं, उनको हमारे इस जमीन से, जायदाद से आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो, यह एक बनाया हुआ है। जैसे कि बहुत सारे मठों को, बहुत सारे प्रतिष्ठानों को, बहुत सारे मंदिरों को, बहुत सारे ट्रस्ट को हजारों लाखों जायदाद दे दी गई है जिसका वो प्रबंधन करते हैं और उस प्रबंधन से मदद करते हैं, लोगों की फैसिलिटेट करते हैं। तो वह की प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप एंटेलिया बना लीजिएगा बम्बई में सबसे महंगा मकान, तो क्वेश्चन उठेगा। और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को की देख रेख के लिए सरकार ने कानून बना रखा है, पार्लियामेंट ने कानून बना रखा है, हर राज्य में इस दान की प्रॉपर्टी को, वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए ट्राइबल बने हुए हैं कि अगर कोई इधर उधर उस ज़मीन को करता है या उस दौलत और जायदाद को करता है, बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है। यह दान वक्फ में दान हिंदू समाज ने भी बहुत जगह किया है। तो एक बार जब दान हो करके दानी ने यह कह दिया कि इस दान के जमीन से, इस दान के जायदाद से यह काम करेंगे समाज का और इसको किसी को नहीं दीजिएगा, ना उनकी वंशज को दीजिएगा, इसको मैनेजमेंट करके, तो मैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है, दान न्यास बना हुआ है। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बिल क्यों लाना चाहती है? इसलिए कि जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है, उस जमीन पर कब्जा में ऐसा नहीं है, माइनॉरिटी समाज के भी बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है, हम लोग रोज उसकी लड़ाई लड़ते हैं। तो लड़ाई लड़ने के लिए, और जब वक्त रजिस्टर्ड होता है तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में गवर्नमेंट का आदमी रहता है, CO रहता है, BDO रहता है, कलेक्टर रहता है, वो सब उसके इंफॉर्मेशन देता है। कहीं पर भी कोई अतिक्रमण है जो वक्फ के बोर्ड पर, वक्फ के बोर्ड पर, वक्फ की ज़मीन पर सरकारें अपना स्कूल खोलती हैं, कॉलेज खोलती हैं, सरकार को भी देती है ये, बट लेकिन उसका एक तरीका होता है। जैसे बिहार में रेसिडेंशियल स्कूल 6-7 जगह तो मुझे मालूम है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना है और कोई दिक्कत नहीं है, समाज को कोई दिक्कत नहीं है। मांग के लिए ना, समाज के अच्छे काम के लिए, एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए, तरबियत के लिए ये वक्फ का लैंड है। जैसे मधुबनी में, दरभंगा में, किशनगंज में इसी सरकार ने, जो भाजपा के साथ मिलकर के चला रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ लिया है और उस पर स्कूल बन रहे हैं। कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस उस पर बने। और अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग चीख पुकार कर रहे हैं कितना जमीन का दान दिया है सरकारी स्कूल बनाने के लिए, पहले हमारे पुरखे दिया करते थे, आज के दिन में? तो इसीलिए ये सारा एक शगुफा खड़ा किया जा रहा है। समाज भी लड़ेगा, इंडिया गठबंधन भी लड़ेगा, क्योंकि न्याय संगत बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वक्फ के बहाने अकलियत समाज सड़क पे आ जाए और सड़क पर जैसे ही आ गया तो उनको हिंदू मुसलमान करने में मजा आ जाएगा। ये मजा लेना चाहते हैं क्योंकि वो फेल हो रहे हैं, रोजगार देने में फेल हो रहे हैं, खुशहाली देने में फेल हो रहे हैं, किसानों को राहत देने में फायदा फेल हो रहे हैं, औरतों को सम्मान देने में फेल हो रहे हैं, बूढ़ों को, बच्चों के लिए इंतजाम करने के लिए फेल हो रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था देने में फेल हो रहे हैं, और चंद घरानों को खुश करने के लिए, चंद घरानों को ढेर सारे दौलत देने के लिए हमारा और आपका कॉमन आदमी का
देने का वो प्रयास में लगे हुए हैं। तो यह तो इस देश का हिंदू मुसलमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर किसी मंदिर न्यास का जमीन लेने का कोई बिल आए कि नहीं इनके पास बहुत जमीन है और इनको दे दिया जाए, इसमें बड़ा घपला हो रहा है, अरे घपला हो रहा है तो उसका देख रेख कीजिए ठीक से। अगर वक्फ बोर्ड में कहीं घपला हो रहा है तो कानूनन उसको देख रेख कीजिए ना। मान लीजिए मेरे घर में आग लग गई तो घर को फिर ठीक करेंगे कि घर को एबंडन छोड़ देंगे, नहीं आप ले जाइए इस घर को, हमसे नहीं चलेगा। तो यह तरीका ठीक नहीं है। मैं तो अपील करना चाहता हूँ खास तौर पर आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी से, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की से, चिराग पासवान से, माझी से, कि आप जानते हैं कि क्या हो रहा भारतीय जनता पार्टी के, आप भारतीय जनता पार्टी के आइडियाज पे चलने वाले लोग नहीं, इसलिए आप अलायंस में हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तथ्य को समझें, इस तथ्य को समझते हुए काम करें, और मुझे आशा है कि इस बात को वो समझेंगे। वक्फ की प्रॉपर्टीज पुरखों की दान की हुई प्रॉपर्टीज है, और कागज पत्र कमजोर है ठीक किया जाएगा। कोई बस गया है उसके ऊपर कानूनन सीओ लगा कर, मजिस्ट्रेट लगा करके जैसे अतिक्रमण को हटाया जाता है बहुत सारे सरकारी जमीन। तो सुना आपने, उन्होंने कहा है कि भाजपा अल्पसंख्यक समाज को उकसाने का काम कर रही है, सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए उकसा रही है, और बीजेपी ने देश का विकास किया नहीं, मुद्दे से भटकाने के लिए अल्पसंख्यकों को सड़क पर लाना चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स 24 पर। धन्यवाद।